So last time circular motion part has been completed, right? So all the theory has been completed. एक quick revision हो जाएगा, उसके बाद हम लोग rotational motion का part चालू करेंगे, ठीक है? So फटाफट जो है omega का formula दे दो जल्दी से, जल्दी जल्दी. हाँ fast fast. 2 pi n, okay. टू पाई बाई टी. हाँ बोलते जाओ, बराबर है, आगे बोलो. वी बाय आर. सी पी एफ का फॉर्मूला बोलो. एम ई स्क्वायर अपॉन आर. यस. एम ओमेगा स्क्वायर आर. करेक्ट. एम वी ओमेगा. बराबर. हॉरिजॉन्टल कर्व रूट का बोलो. हाँ, म्यू एस आर जी, बराबर है. दिस इज अबाउट कर्व्ड रोड. बैंकिंग ऑफ रोड का बोलो. रूट ऑफ आर जी टैन थीटा. दिस इज फॉर बैंकिंग ऑफ रोड. करेक्ट. देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ कॉनिकल पेंडुलम? पीरियोडिक टाइम ऑफ कॉनिकल पेंडुलम टी इज इक्वल टू. हाँ उसको बोलने तो चलेगा. हाँ वेरी गुड. दूसरा? हाँ दूसरा इज नहीं, इसके आगे वाला तीन फॉर्मूला था ना, इसके आगे वाला क्या है? एच बाय जी. 2 pi root of h by g. तीसरा 2 pi root of l cos theta upon g. बराबर है. यस. देन उसके बाद में ऑफकोर्स वेलोसिटी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम बॉडी का वी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा. देन उसके बाद में वेल ऑफ डेथ. वेल ऑफ डेथ, हाँ फॉर्मूला बोलो. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बाइकर? हाँ तेरे को ही दे नाम, मेरे को किसी का मत पूछो. हाँ जोर से जल्दी बोल. हाँ अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस. याद रखो आर जी अपॉन म्यू एस. दिस इज फॉर वेल ऑफ डेथ. बराबर है. इसमें कंडीशन क्या था हमें यहाँ पे? व्हाट वाज द कंडीशन यहाँ पे? क्या वही क्या मिनिमम वेलोसिटी, राइट? व्हाट वाज द कंडीशन? दैट द फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन. यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, मैंने बताया था. बराबर है. यस. उसके बाद में देन वेल ऑफ डेथ कंप्लीट होने के बाद में देन वी हैव डन अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन लास्ट बेंच. हाँ नाम बोलो बेटा. हाँ स्नेहा. वर्टिकल सर्कुलर मोशन अटेंड किया है ना? हाँ तो फिर ऐसे क्यों इतना टेंशन आ गया? इधर देखो भाई, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट एंड हॉरिजॉन्टल या तो मिड पॉइंट. बराबर है. लोवेस्ट पे वेलोसिटी कितना जल्दी? हाँ उसको क्या पूछ के रही? इतना डाउट. रूट मिथिल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाईएस्ट वेलोसिटी? मिड पॉइंट रूट ऑफ 3rg. व्हाट इज द टेंशन फॉर आर्बिट्रेरी पॉइंट? टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज एट आर्बिट्रेरी पोजीशन. टेंशन इन द स्ट्रिंग आर्बिट्ररी पोजिशन. वेरी गुड. प्लस एम जी कॉस थीटा. बराबर है. ये हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन आर्बिट्ररी पोजिशन, राइट? एक बार ये ध्यान में रहेगा तो बाकी पोजिशन पे याद हो जाएगा. टेंशन इज मैक्सिमम एट, मिनिमम एट, आइडियली इट शुड बी जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट. करेक्ट हो गया. व्हाट इज द टेंशन एट लोवेस्ट? फॉर्मूला वैल्यू 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 6 mg. वेरी गुड. समझ में आया? टेंशन एट लोवेस्ट वैल्यू इज 6 mg. हाईएस्ट पे टेंशन 0. मिड पे टेंशन 3 mg. समझ में आया? ये भी पार्ट मैंने बताया था डिफरेंस हाईएस्ट एंड लोवेस्ट. जरा लिखना चालू करोगे ना फॉर्मूला तो पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा. क्लियर हुआ? देन व्हाट इज द रॉड अटैच्ड बॉडी? बॉडी अटैच टू रॉड. ओके सो व्हाट इज द लोवेस्ट पोजिशन पे वेलोसिटी? बॉडी अटैच टू रॉड मैंने दिया था ये फॉर्मूला.
हाँ मैंने बोला एक कम कर देने का रूट फोर आर जी बराबर है मिड पे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बोलेंगे तो रूट टू आर जी आई बात समझ में हॉरिजॉन्टल मतलब ये पोजीशन पे जाएगा तभी आई बात समझ में सो दिस इज रूट टू आर जी हैव यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट यार यहाँ तक का कंप्लीट हो गया हमारा ठीक है सो दिस मच वी आर डन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रोटेशनल मोशन ओके नोटबुक ओपन करो अभी यस क्या हो गया फैन चाहिए नहीं चाहिए क्या हुआ ओके रोटेशनल मोशन वी हैव लर्न्ड जस्ट नाउ अबाउट सर्कुलर मोशन क्या डिफरेंस है दोनों में मुझे बताओ सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है सेम ही तो है गोली तो घूम रहा है रोटेशनल में क्या होता है एक एक्सिस होता है रोटेशनल के लिए ऑल द पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग ओनली अबाउट वन एक्सिस बराबर है और सर्कुलर में बॉडी इट्सेल्फ इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ बराबर है उसमें एक्सिस एक ही बॉडी पूरा सर्कल बना रहा है उसको हम बोलेंगे बॉडी का वो सर्कुलर पाथ हो गया और एक्सिस के अराउंड जब पार्टिकल्स घूमता है तो वी कॉल इट एज व्हाट रोटेशनल मोशन स्लाइट डिफरेंस दैट इज द एक्सिस देयर इज अ फिक्स्ड एक्सिस अबाउट इट राइट अच्छा ठीक है चलो अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ लिया लेट अस टॉक अबाउट अच्छा वन मोर कंसेप्ट आई वुड लाइक टू जस्ट डिस्कस अबाउट सर्कुलर मोशन के लिए व्हाट इज दैट काइनेमेटिकल इक्वेशंस एक बार जरा फटाफट देख लेते हैं व्हाट ऑल काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमने पढ़ा था लीनियर में पढ़ा था याद है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था बराबर है अगर हम व्हेन वी टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन राइट तो सर्कुलर में क्या वर्ड आता है एंगुलर ठीक है तो एंगुलर ये v वेलोसिटी तो यहाँ पे आएगा एंगुलर तो क्या आएगा ओमेगा टू ओमेगा वन प्लस ए की जगह पे अल्फा समझ में आया एंगुलर एक्सेलरेशन करेक्ट फिर उसके बाद में एस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट ना थीटा ओमेगा वन टी प्लस हाफ अल्फा गॉट इट ठीक है तो ये ऑलरेडी देखा हुआ है ये यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा टू स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा राइट दिस इज वी कैन कॉल इट एज व्हाट काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर एंगुलर दैट इज सर्कुलर मोशन के लिए दिस इज काइनेमेटिकल फॉर लीनियर मोशन क्लियर हो गया देन उसके आफ्टर दिस ओके लेट अस टॉक अबाउट नाउ रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है इसका मीनिंग क्या है अभी एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये डोर ठीक है ये डोर अभी ये ओपन हो रहा है ना बराबर है इसमें क्या डिफरेंस है ये लीनियरली हो रहा है ये लीनियर है एंगुलर है ये क्या है हिंजेस को एक्सिस बोलेंगे क्या बोलेंगे इसे हिंजेस को एक्सिस बराबर है ये डोर इज मेड अप ऑफ वुडन पार्टिकल्स तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर रोटेटिंग अबाउट वन एक्सिस रोटेटिंग का मतलब नहीं कि गोली घूमना ही है एंगल में भी हो सकता है ऑक्सीलेटरी भी हो सकता है कोई भी हो सकता है समझ में आया सो दिस ऑल पार्टिकल्स इज अबाउट वन एक्सिस तो वी कैन से दैट डोर इज रोटेटिंग अबाउट वन एक्सिस ये यहाँ पे हाफ रोटेशन है इनकम्प्लीट रोटेशन है कहीं कहीं पे मॉल में होता पता है कंप्लीटली ऐसा गोल घूमता है बराबर है तो वो कंप्लीट रोटेशन अबाउट वन एक्सिस यार कॉन्सेंट्रेट यार देन अगर हम लोग वही बात करेंगे तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मालूम होना चाहिए दैट इज अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको डिनोट करते हैं आई से किसे डिनोट करते हैं आई सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तुम लोग बोलेंगे ये नया चीज क्या है ठीक है लीनियर में हम लोग मास पढ़ते हैं ना बॉडी का मास बराबर है बट रोटेटिंग बॉडी के लिए मास की जगह पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट एनालॉग क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉग मतलब मालूम है वेरी मच सिमिलर एक्शन सिमिलर जैसे वी का एनालॉग क्या है ओमेगा
समझ में? वैसे मास का एनालॉग जो है रोटेटिंग बॉडी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये होता क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, ये अपना है डोर, ठीक है, इसमें पूरा पार्टिकल्स है, ये भी बराबर है, दैट इज हैंडल इज ऑल्सो वन पार्टिकल, वी कैन अज्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर हियर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी इसमें क्या होता है, ईच पार्टिकल इज वॉट, ये एम वन एम टू एम एन, एन पार्टिकल्स हो गए इसमें, ईच पार्टिकल एक्सिस से एक डिस्टेंस पे है ना, तो वो डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, से आर वन ये वाला डिस्टेंस ले लिया, आर टू ये वाला डिस्टेंस ले लिया, आर थ्री, बराबर है। यहाँ पे देखो मैंने डिस्टेंस किस टाइप का लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसे लिया मैंने, एक से ऐसा करके नहीं लिया है, बराबर है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मैंने लिया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो इसका अगर मोमेंट, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई, ठीक है, विल बी प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस प्लस सेकेंड मास स्क्वायर ऑफ सेकेंड डिस्टेंस प्लस थर्ड मास स्क्वायर ऑफ थर्ड डिस्टेंस, लाइक दिस, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका टोटल करने का, ओके, दैट विल गिव यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। समझ में आया? अगर इफ आई एम रोटेटिंग अबाउट माई एक्सिस, समझ में आया ना, तो ये हैंड्स लेग्स ये सब क्या है, पार्टिकल्स ही है ना, तो ऑल द पार्टिकल्स विल बी रोटेटिंग अबाउट वन एक्सिस। समझ में आया? मुझे अगर मेरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आई हैव टू सी द डिस्टेंसेस। ये सब कंसेप्ट यूज होता है बैली डांसिंग में, मालूम है, स्पिन करते हैं फिर हैंड स्लोली बाहर निकालते हैं, उसका सबका रीजन है, तो हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे, बट पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर? इट इज व्हाट? इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड गॉट इट between particle and axis of rotation. Once again, what is moment of inertia? It is the sum of product of mass of particles and square of perpendicular distance between particle and axis of rotation. ठीक है, अभी इसी को अगर मुझे लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे ये पार्ट को, I is equal to सम को हम कैसे लिखते हैं अलजेब्रा में, समेशन, बराबर है, समेशन क्या हो गया, आई इज इक्वल टू वन टू एन, एन पार्टिकल्स है ना, सो वन टू एन पार्टिकल्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस। हैव यू ऑल गॉट दिस, अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट? सो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन। अगर इसको और एडवांस मैथमेटिक्स में लिखना है, सो वी राइट व्हाट, इंटीग्रेशन, क्या लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन का भी मतलब वही होता है, सम ऑफ मेनी इंटीग्रेटिंग ऑल। समझ में आया? इसका ही इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन, दिस इज अ साइन फॉर इंटीग्रेशन, राइट, तो यहाँ पे हाँ एम, यहाँ पे आर स्क्वायर डी एम, स्मॉल पार्टिकल्स का मास। समझ में आया? ये स्मॉल पार्टिकल्स, बिकॉज हम लोग छोटे पार्टिकल्स लेंगे ना मास का, छोटे छोटे पार्टिकल्स, राइट, इसको हम क्या लिखते हैं, डीएम, डीएम मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स, बराबर है, और ये डिस्टेंसेस का स्क्वायर लेंगे, अलग अलग का अलग अलग वैल्यू रहेगा। आर यू गेटिंग इट? फॉर्मेट समझ में आया? अच्छा, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट बताओ, क्या यूनिट होगा, यहाँ पे देख, हाँ के जी पर क्यूब, हाँ के जी मीटर स्क्वायर, सिंपल सा ना फॉर्मूला से तो बनाना है, मास का केजी, डिस्टेंस का मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, डायमेंशन बोलो फटाफट, एम वन एल टू टी थ्री माइनस क्यू, मन में आया सब डेकोरेशन होना चाहिए बराबर से, ऊपर जीरो अच्छा नहीं लगता है तो माइनस वन डाल दो या माइनस टू, ऐसा नहीं करने का, ठीक है, सो के जी मीटर स्क्वायर का क्या आएगा, एम वन एल टू। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज कम्प्लीट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मुझे बताओ कि अगर सपोज ये डोर को मैंने कट करके छोटा कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा?
यस और नो? व्हाई? बिकॉज पार्टिकल्स कम हो गया, मास कम हो गया, बराबर है? आर यू गेटिंग इट? दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, मास नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया? यहाँ का मास उठा के इधर मैंने जमा कर दिया तो भी चेंज ही होगा। आर यू गेटिंग इट? एक जगह पे मोटा, एक जगह पे पतला किया तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज, बिकॉज शेप एंड साइज इज चेंजिंग। आर यू गेटिंग इट? अच्छा मुझे बताओ, अभी यही डोर को इस तरह से अगर मैंने रोटेट किया, पता है ऐसे रोटेशन होता है सेंटर में रख करके, और पुलिस चौकी का देखा रहेगा डोर छोटा सा रहता है, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सिस चेंज किया ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन आई हैव चेंज, सो विल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज? यस और नो? डोर का साइज वही रखा मैंने, ठीक है, खाली मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया, विल इट चेंज और नो? इट विल चेंज, बिकॉज डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पार्टिकल्स इधर भी है इधर भी है, ये सबका डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अब ये मत बोलना सबका टोटल मिला के तो वैसे ही होने वाला, ऐसा नहीं होगा, बराबर? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, डिस्टेंस वो चेंज किया तो स्क्वायर भी चेंज होगा, वैल्यू भी चेंज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो क्या कंसेप्ट पढ़ा हमने, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज, या तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा इट विल चेंज ड्यू टू चेंज इन एक्सिस ऑफ रोटेशन, चेंजिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज दैट वेरी क्लियर कंसेप्ट? एवरीवन अंडरस्टूड? राइट डाउन जल्दी फटाफट। तो पहला रोटेशनल मोशन का फर्स्ट कंसेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा दादागिरी चालू है, गुंडागर्दी क्लास में? हाँ चलो जल्दी से फटाफट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट हेडिंग लिखा, अब इसका डिनोटेड बाय व्हाट? आई। कौन डेफिनेशन बताएगा, किसको याद है भाई डेफिनेशन जल्दी? हाँ बेटा बोल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेरी गुड, लिखो। इट इज अभी इसको सम को हम लोग अल्जेब्रिक सम बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट इज व्हाट? अल्जेब्रिक सम। इट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ, या सम ऑफ लिखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स, हाँ इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, पार्टिकल्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। डेफिनेशन हो गया लिख के, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। एक्सप्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये नहीं बोलेगा डिफाइन देन राइट डायमेंशंस देन राइट फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, एक्सप्लेन बोलेगा बस, एवरीथिंग यू शुड राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला देन, राइट डाउन द फॉर्मूला देन। हाँ ये फॉर्मूला लिखो, m1 r1 square + m2 r2 square · mn rn square, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। इसी को और अलग फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे अभी, I इज इक्वल टू समेशन MIRI स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज द सेकेंड फॉर्मेट टू राइट, ओके। थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन अगर मैंने इंटीग्रेशन में नीचे ऊपर कुछ नहीं लिखा है इसको इनडेफिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अगर ए टू बी लिखूंगी तो वो डेफिनेट हो जाता है, मुझे मालूम है कहाँ से कहाँ तक जाना है, बराबर है? तो यहाँ पे क्या आएगा, r² dm, बराबर, स्मॉल मास, क्लियर? बाद में वो क्वेश्चन के ऊपर से मैं बताऊँगी, ठीक है। 1 से n नंबरिंग नहीं होता है, आर इज इक्वल टू 1 to n लिखना पड़ेगा वगैरह वगैरह, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल ये इनकम्प्लीट फॉर्मेट में ऐसे ही लिखो, इनडेफिनेट पार्ट,
क्लियर हो गया? हाँ, अभी डायमेंशन यूनिट लिखो, यूनिट फटाफट लिखो जल्दी से. व्हाट इज द यूनिट? केजी मीटर स्क्वायर. डायमेंशन जल्दी. एम टू एल टू एम वन टी जीरो. फिजिकल सिग्निफिकेंस नीचे लिखो. फिजिकल सिग्निफिकेंस फर्स्ट पॉइंट क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस में? फिजिकल सिग्निफिकेंस ठीक है. हाँ पहला आ जाएगा इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स है ना. इट डिपेंड्स ऑन इट मतलब कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स. ब्रैकेट में लिखो शेप एंड साइज. अंडरस्टूड? ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पहला पॉइंट हो गया. दूसरा वाला क्या है? इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन. करेक्ट. इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर? ओके. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट हमने लर्न कर लिया. ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या बोला था? एनालॉग टू मास. लीनियर से कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूला में अंदर मास आएगा. ठीक है. हाँ अभी लेट अस टॉक अबाउट थ्री और फोर डेरिवेशंस वी आर गोइंग टू डू ईच ऑफ टू मार्क्स. ठीक है. और ये टू मार्क्स का क्वेश्चन एक तो आता है. ठीक है. सो पहला वाला पार्ट अभी हम लोग करेंगे जो टू टू मार्क्स का डेरिवेशन है. इट इज़ ऑल वेरी सिंपल. एक बार अंडरस्टैंड करो. सिमिलर है पूरा फॉर्मूला. अगर याद है तो बहुत ही ईजी है डेरिवेशन. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन लिख दो. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. ओके. अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर है. तो रोटेटिंग बॉडी का भी फॉर्मूला तुम लोगों को आना चाहिए फिर. हाफ वन मिनट. लीनियर का तुमने क्या बोला? हाफ एम बी स्क्वायर. हाँ मैंने क्या बोला था? रोटेटिंग के लिए क्या होता है? एनालॉग क्या होता है? हाफ आई. समझ में आया? क्या आना चाहिए? आई बी की जगह पे ओमेगा. हाँ ये मुझे प्रूफ करना बाकी है अभी. समझ में आया? तो ये इनडायरेक्टली फॉर्मूला मुझे फाइंड आउट करना है. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ. तो अभी यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग चलते हैं. चलो नेक्स्ट पार्ट. ओके. सो अभी डेरिवेशन शुरू करते हैं टू मार्क्स के लिए. यू टेल मी नाउ व्हाट ऑल थिंग्स टू बी डन. पहला चीज मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी किसका? एक बॉडी लेना पड़ेगा जो रोटेट हो रहा है. क्लियर हुआ? चलो एक बॉडी ले लेते हैं कोई भी शेप वाला. ठीक है. बराबर है. एक इरेगुलर शेप का बॉडी हो गया जिसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं. कैसा रोटेट कर रहे हैं? ये ऐसे इधर तो ये ऐसे जा रहा है. बराबर है. कैन यू इमेजिन दैट पार्ट? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. कैन यू सी दैट? इधर बैठना तो इधर बैठ जा. इसमें देख रहा है ना? ठीक है. तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तू भाई इधर बैठ, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है. चल बार बार अभी मेरा ध्यान उधर ही जाएगा. किधर देख रहा है कि किधर देख रहा है? हाँ चल ठीक है. ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर हो गया? चलो ठीक है फाइन. तो हमारा बॉडी रेडी हो गया यहाँ पे. रोटेटिंग विथ वॉट? सम एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे क्या लेने का. चलो ले लेते हैं ओमेगा बस. हाँ इट इज़ रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. क्लियर? अच्छा ये बॉडी क्या खाली है? क्या हॉलो है? नहीं, पार्टिकल्स है ना उसमें. तो इधर पार्टिकल्स ले लेते. बराबर है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारा भरने का जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा. तो चार पार्टिकल रखा तो ही बस हो गया. ठीक है. लेट अस टेक दैट एम वन एम टू एम थ्री एम एन 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 नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. क्लियर हो गया? अच्छा ये है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बॉडी का मुझे चाहिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या था? मास ऑफ पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस.
मैंने तो डिस्टेंस ड्रॉ ही नहीं किया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में है? पार्टिकल और एक्सिस, बराबर है। तो ये पार्टिकल है, ये एक्सिस है। परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? होगा। सेंटर से जितना भी लाइन जाता है सब परपेंडिकुलर ही होता है, बराबर है कि नहीं? हाँ। तो ये डिस्टेंस को क्या ले लिया? आर वन। फिर यह आ गया आर टू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया आर थ्री, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एन। क्लियर? ओके, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे? अच्छा, अभी इसमें जो है पूरा बॉडी ऐसा रोटेट हो रहा है, बराबर है ना? जिसके अंदर का हर एक पार्टिकल जा रहा है, तो हर एक पार्टिकल कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसे जाएगा, लाइक दिस। आर यू गेटिंग इट और नॉट? एवरीवन अंडरस्टूड? तो ये कैसे जाएगा? वी वन वेलोसिटी से, मुझे मालूम है स्वास्थ्य की दिख गया तुम लोग को, ये वी वन वेलोसिटी से जा रहा है। दिस वन विल बी वॉट? वी टू, वी थ्री, वी एन। सो वॉट इज वी वन, वी टू, वी थ्री, वी एन? लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग अराउंड वन एक्सिस, हर एक पार्टिकल। अभी ये फैन रोटेट हो रहा है, इसमें ब्लेड्स है ना, तीन ब्लेड्स है, तो तीनों ब्लेड्स क्या है? लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बराबर है। तो एज अ बॉडी इट इज रोटेटिंग अबाउट वन एक्सिस, गॉट इट? वेरी गुड। तो हमारा डायग्राम बेस्ट हो गया, बन गया, समझ में आया? अभी हम लोग क्या करेंगे, मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, क्लियर है? अच्छा ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बोलो, क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इसका? हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, इज इट ओके? वेरी गुड। सो इट इज व्हाट? हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, क्लियर हो गया? लेकिन मुझे रोटेटिंग बॉडी का बनाना है, तो एंगुलर वाला पार्ट इसमें चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्स्टिट्यूट वी। वी इज इक्वल टू क्या होता है रोटेटिंग के लिए? सर्कल आर ओमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया? हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इज इट ओके? क्लियर? कि ओमेगा वन लिखो, इधर ओमेगा वन आएगा नहीं, क्योंकि पूरा बॉडी एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। हर एक पार्टिकल अपने ऐसे से गोल नहीं घूम रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी वन, राइट? सिमिलरली विल फाइंड आउट फॉर सेकेंड वन। सेकेंड का जल्दी फटाफट बोलो, हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दिस। सो वी कैन राइट फॉर nth पार्टिकल, सो काइनेटिक एनर्जी फॉर nth पार्टिकल विल बी हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये तो इंडिविजुअल पार्टिकल हो गया, लेकिन एक पूरा बॉडी के अंदर उतने सारे पार्टिकल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। समझ में आया? सम करेंगे, ठीक है? तो सम करेंगे तो कैसा आएगा? हम लोग इजी वाला चीज़ करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इजी बनाएंगे, बराबर है? तो काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेटिंग बॉडी क्या करेंगे? हर एक पार्टिकल का सम कर देंगे, तो एज अ होल इट इज़ व्हाट? रोटेटिंग। सो वी कैन से द काइनेटिक एनर्जी वन प्लस फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल और nth पार्टिकल, बराबर है? अच्छा टोटल करो जरा, क्या कॉमन है? हाफ एम वन भी कॉमन है, हाँ, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है बोलो? एम वन आर वन स्क्वायर प्लस अप टू एम एन आर एन स्क्वायर, आर यू गेटिंग इट? ये ब्रैकेट क्या है? आई। सो काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेटिंग बॉडी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही प्रूव करना था ना? समझ में आया सबको? हर एक पार्टिकल का हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला और उसको टोटल कर दिया, आंसर आ गया। यही मेथड बाकी भी डेरिवेशन में हम लोग यूज करेंगे सेम पैटर्न में। बट हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? क्लियर हो गया? वेरी गुड। लिखो अभी फटाफट, टू मार्क्स का एकदम सिंपल फॉर्मूला भी याद रखने के लिए ट्रिक एकदम ईजी है, बराबर है? डायग्राम जरूरी है क्या कॉपी करने का? कांदा बटाटा जो बनाने है सब बना दो, कोई भी शेप चलेगा, ठीक है? बलून बलून, हाँ हाँ, सर्कल है, रेगुलर शेप मत बनाओ रे, बाद में बोलेगा सर्कल है तो रेडियस ही लेंगी मैं इसको। अभी जरा देखो बराबर से बनाए कि नहीं, शेप के ऊपर टेंशन लेने का नहीं, नहीं तो मीठा मीठा के वही शेप लाओगे तुम लोग।
कोई भी शेप चलेगा, ठीक है। पार्टिकल्स डिस्टेंस ये बराबर से जरा ड्रॉ कर लेना। नाउ डेरिवेशन स्टार्ट। तो एक पहले वाला मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, बाकी सब बिना एक्सप्लेनेशन के होगा, ठीक है। यू हैव टू राइट योर ओन। कंसिडर अ रोटेटिंग बॉडी। हाँ डेरिवेशन लिख लिया तो चलेगा, एक्सप्लेनेशन नीचे लिख लो, ठीक है। टू मार्क्स के लिए डायग्राम होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और डेरिवेशन, क्लियर। कंसिडर अ रोटेटिंग बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। कंसिडर अ रोटेटिंग बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास, ऑफ मास एम वन एम टू डॉट डॉट एम एन, बराबर। लिख लिया। लेट आर वन आर टू डॉट डॉट आर एन, आर वन आर टू डॉट डॉट आर एन, व्हाट इज दैट? हाँ, आर दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। लेट और क्या क्या बाकी डायग्राम है पूरा एक्सप्लेन करने का। लेट वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन आर दी, आर दी वेलोसिटीज, लीनियर वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स, आर दी लीनियर वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स। कुछ और बाकी है डायग्राम में। लेट ओमेगा, लेट ओमेगा बी दी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, लेट ओमेगा बी दी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, क्लियर। ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अभी डेरिवेशन स्टार्ट करो। डेरिवेशन में क्या क्या पार्ट लिखेंगे हम लोग? हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, करेक्ट, जिसका हो गया, एक बार चेक कर लेना बराबर लिखा है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फिर बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, बाकी सब में सेम पार्ट लिखोगे, बराबर है। देन एडिंग ऑल, फिर एडिंग ऑल यू विल गेट रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी। हो गया। अच्छा कॉपी करने के लिए वेट कर रहे तुम लोग? डड़ा जैसे ही ओपन किया मैंने, इतना स्पीड में तो लिखने को चालू नहीं किया था पहले। हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला कितना मिला? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यूनिट क्या है काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल। और दूसरा यूनिट चाहिए तो दूसरा यूनिट भी बन सकते हैं यहाँ से, मालूम है ना? क्या बनेगा यहाँ पे यूनिट? ये आई का यूनिट लिखो केजी मीटर स्क्वायर। ओमेगा क्या है? रेडियंस पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? रेडियंस स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? अगर ये यूनिट दे दिया तो क्या करोगे? समझ में आएगा, बराबर है ना? एनीवेज और बाकी जूल्स इज ऑलवेज, यू हैव टू रिमेंबर, एनर्जी इज ऑलवेज इन जूल्स, ठीक है। रेडियंस के लिए क्या आएगा डायमेंशन? रेडियंस के लिए नो डायमेंशंस। तो डायमेंशन इसका इजी बन जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा? एम वन एल टू टी माइनस टू। समझ में आया? रेडियंस का कोई डायमेंशंस नहीं होता है। पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड डेरिवेशन लिखना है जल्दी फटाफट, क्वेश्चन लिखो। सेकंड वाला क्वेश्चन लिखो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी. टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी. पहले मेरे को कंप्लीट करने दे. टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन मालूम है? टॉर्क होता क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बराबर है ना? टॉर्क इज नथिंग बट कैपेसिटी और वी कैन से कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट. कोई भी चीज़ में अगर रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो वी हैव टू अप्लाई व्हाट? टॉर्क. लीनियर मोशन है तो फोर्स. तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल गिव यू व्हाट? टॉर्क. क्लियर हो गया इतना? अच्छा ठीक है. अभी रोटेटिंग बॉडी क्या क्या होना चाहिए डायग्राम में फटाफट बताओ जल्दी से. जल्दी पहला क्या लेने का? एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी. रोटेटिंग बॉडी जल्दी. हाँ रोटेटिंग बॉडी ले लिया. ये रोटेटिंग बॉडी हो गया. ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन. उसके बाद में पार्टिकल्स ले लिया. M1 M2 M3 MN. हाँ फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो गया. R1 R2 R3 RN. बराबर है? हाँ हाँ. अभी क्या लेना है वो हमको अभी फॉर्मूला के बाद डिसाइड करने का. समझ में आया? सब जगह पे एक ही चीज़ नहीं डाल सकते. क्लियर? अच्छा अभी हमारा एम है टू फाइंड आउट व्हाट? टॉर्क. अभी तो ध्यान से देखो पहला चीज़ क्या करने का. लास्ट बेंच कॉन्सेंट्रेट हियर. हाँ टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ा है. टॉर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बराबर है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर यहाँ पे हर एक पार्टिकल का मैं टॉर्क देखूँ बिकॉज टॉर्क एक्टिंग ऑन होल बॉडी मतलब टॉर्क ऑफ ईच पार्टिकल उसको टोटल करेंगे तो टोटल टॉर्क मिल जाएगा मुझे और फिर रोटेटिंग बॉडी. तो यहाँ पे अभी फर्स्ट टॉर्क निकालते हैं. तो ये क्या लिखेंगे? F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या अपने पास? R1. आर यू गेटिंग इट? इधर स्टैंड अप. हाँ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? मास इन. तो क्या लिखूँ यहाँ पे? M1 A1 R1. करेक्ट. अच्छा A क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन. ए क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर? वेरी गुड. ए इज इक्वल टू आर अल्फा. बराबर है ना? हाँ वेरी गुड. अभी डायग्राम में क्या बनाना है अभी डिसाइड कर सकते हैं. अल्फा इज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन. सो बॉडी इज मूविंग विथ एंगुलर एक्सेलरेशन. समझ में आया? अंदर बॉडी के मैं क्या बनाऊँ? पार्ट फोर्सेस. तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन दिस. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कब क्या यूज़ करना है? F3 ये इधर आएगा. बराबर है ना? अभी समझा? तो इसे रिलेटेड सारा टर्म्स यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में. ओके तो अभी हमारा ये तो टॉर्क वन क्या हो जाएगा बोलो? M1 A1 की जगह पे क्या लिखेंगे? R अल्फा. तो क्या लिखूँ बोलो? R1. बराबर है? और ऑलरेडी एक और R1 है तो क्या बन गया फिर? M1 R1 square alpha. आर यू गेटिंग इट? ये फर्स्ट टॉर्क का वैल्यू मिला. सेकेंड टॉर्क का वैल्यू M2 R2 square alpha. इस तरह से nth पार्टिकल का निकालेंगे टॉर्क MN RN square alpha. बाद में क्या करेंगे? टोटल टॉर्क निकालना है ऑफ रोटेटिंग बॉडी. तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा फिर? हाँ टोटल टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 अप टू टॉर्क n. सबको समझ में आ रहा है? अभी क्या कॉमन है भाई? अल्फा कॉमन है. तो अल्फा कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में क्या बच रहा है? M1 R1 square plus M2 R2 square up to MN RN square. इज इट क्लियर? ये ब्रैकेट इज सेम एज I मोमेंट ऑफ इनर्शिया. I अल्फा मिलेगा. रोटेटिंग बॉडी का टॉर्क वैल्यू फॉर्मूला इज व्हाट? I अल्फा. अभी इसको रिलेट किससे करोगे? ये तो इजी है ना डेरिवेशन. हाँ किससे रिलेट करेंगे हम लोग? टॉर्क. टॉर्क क्या होता है फॉर रोटेटिंग बॉडी? इट्स अ फोर्स
या वर्क डन टू ब्रिंग रोटेशनल मोशन, तो इट इज अ फोर्स. इसको किससे रिलेट करेंगे मन में? फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए. एफ की जगह पे टॉर्क. एफ का एनालॉग टॉर्क. एम का एनालॉग आई. ए का एनालॉग अल्फा. समझ में आया कि नहीं आया? ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन. हैव यू अंडरस्टूड? ऐसे याद करने के लिए इजी रहेगा. ठीक है, यूनिट ऑफ टॉर्क बोलो. टॉर्क का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन मीटर. बराबर है? समझ में आया? यूनिट ऑफ टॉर्क क्या है? न्यूटन मीटर. अगर यहां से निकलना है तो केजी मीटर स्क्वायर रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. समझ में आया? अल्फा का यूनिट क्या होता है? रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ? हाँ ठीक है, फाइन, ओके, यस. सो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क का. तो भी फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से. हाँ, जब ये पूरा बॉडी रोटेट करता है ना, तो सब में टॉर्क आएगा ना, हर एक बॉडी में टॉर्क आएगा ना, क्योंकि वो एक एक्सिस के अराउंड घूम रहा है ना. तो इसके लिए ये पूरा फॉर्मूला टॉर्क का हमने कन्वर्ट किया. यहाँ पे मैंने लीनियर ही पकड़ा है ना फोर्स. समझा भी? कन्विंस्ड? तुम लोगों को ये समझ में आया ना? यहाँ पे देखो, हर एक पार्टिकल में मैंने लीनियर ही लिया, बराबर है ना? तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? टॉर्क. अंडरस्टूड? डायग्राम बनाओ अच्छी तरह से, बराबर से. एक्सप्लेनेशन अभी मैं वापस नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है? तुम लोगों को मालूम पड़ गया ना डायग्राम में क्या क्या चीज़ें कभी देना है. विद दैट फॉर्मूला यू कैन पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. थर्ड वाला तुमने अपने मन से करेगा जरा. क्या फॉर्मूला आएगा तुम लोग बताओगे? क्वेश्चन लिखो. थर्ड डेरिवेशन, ये भी 2 मार्क्स के लिए. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. कभी सुना है नाम एंगुलर मोमेंटम? नहीं सुना है? एंगुलर मोमेंटम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट? नॉट मच. एनीवेज, आई विल गिव यू द हिंट फॉर दिस. एंगुलर मोमेंटम इज एल, कैपिटल एल, डिनोटेड बाय कैपिटल एल. ठीक है, और इसका फॉर्मूला है एम वी आर, जो तुम लोग पढ़ने वाले हो एनीवे, पेपर 2 में पार्ट में हो जाएगा. एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? एम वी आर. एम क्या है? मास ऑफ पार्टिकल. वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी. आर इज डिस्टेंस. बराबर है? अभी ये हिंट मैंने दे दिया है, क्या तुम लोग फॉर्मूला बता सकते हो? एल का फॉर्मूला कितना आएगा? चेक करके बताओ. करो, क्या फॉर्मूला है? आई ओमेगा. तो अरे मेरे को अब तुम लोग सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताओ ना. आई ओमेगा और क्या होता है? ये कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, तुम लोग डेरिवेशन ही कर लो पहले. हाँ, पहले क्या, पहला स्टेप क्या करोगे बताओ? पहले डायग्राम बनाओ. सब जन डायग्राम बनाओ पहले. हाँ, एवरीवन मेक डायग्राम फर्स्ट. हाँ, डायग्राम बना लिया. अभी क्या क्या पार्ट्स होना चाहिए, फटाफट इसको डेकोरेट करो जल्दी से डायग्राम को. ठीक है, पार्टिकल्स लिखो फटाफट. ये बेसिक डायग्राम हो गया, बराबर है? अभी अंदर क्या लिखना है वो तुम लोग को डिसाइड करने का. तुम लोग बताओ क्या लिखना चाहिए? वी लिखना चाहिए. क्या लिखना चाहिए? क्योंकि अपना बेसिक फार्मूला में वी है, बराबर है ना? तो लीनियर वेलोसिटी का वी लिखेंगे हम लोग, बराबर है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया V1.
ओके अभी डेरिवेशन पार्ट में क्या करेंगे बताओ, ये भी यहाँ का मालूम नहीं क्या लिखना, ठीक है डिसाइड करेंगे। डेरिवेशन पार्ट में क्या आ जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, हम लोग को टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ईच पार्टिकल का हम लोग निकालेंगे, उसका टोटल करके हम लोग निकालेंगे वैल्यूज। तो एल वन विल बी वॉट, एम वन वी वन आर वन, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया जो तुम लोगों को बताया। फिर क्या आएगा बोलो, एम वन वी इज इक्वल टू, तो क्या आएगा आर वन, तो इधर ओमेगा आ जाएगा, बराबर है। फिर क्या आ गया ये बोलो, बराबर है, ये एल वन मिला। आंसर बता सकते हो अभी, आई ओमेगा करो, समझ में आया? हाँ डायग्राम बनाओ फटाफट, मेक डायग्राम, एंड इसके आगे का भी कंप्लीट करना है, नहीं तो कुछ भाई साहब लोग इतने लिखेंगे। टोटल करने के बाद में कॉमन इज ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर। एल फॉर रोटेटिंग विल बी आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेटिंग बॉडी इज आई ओमेगा। क्लियर हुआ? एंगुलर मोमेंटम का यूनिट बोलो केजी मीटर पर, किधर से आता है, किधर भी जो भी मन में आएगा पर डालो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा ठीक है यहाँ पे ओके, और दूसरा वाला एंगुलर मोमेंटम का क्या यूनिट हो सकता है तुम लोग मालूम है, यहाँ से मिला है ना, ये भी मिलेगा ना, केजी मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर। रेडियंस हमेशा जरूरी नहीं है, बराबर है ना, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस, तो ऐसा पार्ट में है। क्लियर हुआ? हाँ तो यूनिट ऑफ एल कितना हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डायमेंशन क्या होगा फिर, एम वन एल टू टी माइनस वन, बराबर लिख लो फटाफट, हो गया। अच्छा ये रोटेटिंग बॉडी में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि गाड़ी का टायर रिंग शेप में क्यों होता है, इसको डिस्क क्यों लगाते हैं, बराबर है, फैन का प्रोपेलर ऐसा क्यों होता है, दिस वन प्रोपेलर ऑफ एरोप्लेन क्या होता है, हेलीकॉप्टर में बड़ा क्यों होता है, प्लेन में छोटा होता है, पता ना आगे, तो वो सारा रीजंस क्या है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। सो ये तीन, दो दो मार्क का तीन डेरिवेशन क्लियर हो गया सबको, वेरी गुड। अभी एक और करेंगे, दैट्स ऑल। अभी जो है क्या हो गया, 11:10 तक है ना, हाँ टाइम है अभी, मुझे ऐसा देख रहा हूँ। हाँ सो अभी दो थियरम है, वन इज, अभी इधर ध्यान से, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम है, दूसरा है पैरेलल एक्सिस थियरम। एक्सिस मतलब बहुत सारे एक्सिस है उसके अंदर, ठीक है,
वाई एक्स वाई जेड सो टुगेदर वी हैव सेड लाइक दिस. तो अभी पहला हम लोग देखेंगे कौन सा थियरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम. ठीक है, वो थियरम क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी. ये 3 मार्क्स का आता है, दोनों थियरम 3 मार्क्स ही आते हैं. सो आउट ऑफ दैट कॉलेज में तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो देंगे, कॉलेज के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे चैप्टर्स हैं. ठीक है, ओके. तो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम. अभी इसका जो थियरम स्टेटमेंट है, मैं तुम लोगों को एक बार डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी, सेंटेंस तुम लोग बनाओगे. ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द डायग्राम. इसमें जो है फर्स्ट ले लिया एक रोटेटिंग बॉडी, कोई भी एक बॉडी ले लिया. ठीक है, जिसका हमको जिस पे क्या अप्लाई करना है, इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कौन से बॉडी के लिए, रोटेटिंग बॉडी, बॉडी के लिए, समझ में आया, एनी शेप वी कैन हैव इट. चलो ठीक है, अभी यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस. अच्छा मुझे बताओ, ये भी एक्सिस है ना, ये कैसा, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसको हम लेंगे प्लेन लैमिना, दिस इज द प्लेन एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर एक्सिस. अभी इसको ऐसे तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, बराबर है. तो मतलब जब ये बॉडी इसके ऊपर से घूमेगा ऐसे, समझ में आ रहा है, सो दिस इज दैट एक्सिस, क्लियर हुआ. देन उसके बाद में ये वाला भी एक्सिस है, ये वाला कैसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट में. अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक बुक ले लेते हैं, चलो इसमें से एक्सप्लेन करती हूँ. ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी. ठीक है, अभी मुझे इसको रोटेट करना है, तो कैसे रोटेट करूँगी, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, समझ में आया. तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस, जो ये मैंने जेड बना दिया है, कौन सा एक्सिस दिया इसको, जेड एक्सिस, क्लियर हुआ. इसको ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है. तो ये कौन सा एक्सिस हो गया, से एक्स एक्सिस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट. इसको ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हैं, तो ये हो गया वाई एक्सिस. आई वेल अंडरस्टूड, तीनों एक्सिस समझ में आया. तो ये इसमें जेड एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन. एक्स एंड वाई दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सो ये तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है. ठीक है, इसका मुझे थ्योरम बनाना है, फाइंड आउट करना है. तो इसमें क्या हो गया, अगर सपोज अपना बॉडी इसके एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं आई जेड. क्या लिखते हैं, आई जेड. सो व्हाट इज दिस आई जेड मीन्स, आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस. आई बस समझ में, वो जेड एक्सिस है क्या, परपेंडिकुलर टू प्लेन. कल को मैं इसको जेड मुझे पसंद नहीं आया, मैं वी भी डाल सकती हूँ, ओमेगा भी डाल सकती हूँ. तो बार बार सेंटेंस नहीं चेंज करेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. डिड यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस आई वाई. इसको अभी सेंटेंस फॉर्म करना है थ्योरम के लिए. ठीक है, ट्राई करो. डिस्टर्ब्ड है, स्टैंड अप, एक्सप्लेन करो अपना ओन वर्ड्स में, इसको सेंटेंस बनाओ. दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ठीक है, अब इसको सेंटेंस बना के बताओ, इसके बारे में लिखो, क्या लिखेंगे बोलो. आई जेड का मीनिंग क्या है, हाँ, जोर से बोलो जरा, सुनाई पड़ना चाहिए इधर तक. हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा, नेक्स्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई जेड, टेल मी दैट. हाँ बस, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काम खत्म.
स्टेटमेंट हो गया, बाकी तुमको जो डालने का डालो। इसका प्रॉपर मीनिंग बताओ भाई, प्रॉपर मीनिंग बताओ। मैं इधर एक्सप्लेन कर रही थी तो बहुत जन का ध्यान किधर और था। आई जेड का मीनिंग क्या है, इसका सेंटेंस क्या है? परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्लास में जरा ध्यान दिया करो भाई। हाँ बराबर से बता दो, आई जेड क्या है? हाँ ओके, तो इसको ऐसे रीड करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस कौन किसके थ्रू? अबाउट वन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब वर्ड यूज करते हैं? जब रोटेटिंग बॉडी होता है। रोटेटिंग बॉडी होता है तो एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अभी ये पार्ट समझा इसका मीनिंग? इज इक्वल टू स्टैंडेबल सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो समझ में आ रहा है? करेक्ट। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सपोज मैंने इतना ही बोला तो भी रॉन्ग है सेंटेंस, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकती हूँ ना। अभी ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये हो गया बराबर है। फिर हमने क्या बोला? इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली, तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू, ऐसे ये भी हो सकता है। समझ में आया? तो ये मेरा रॉन्ग सेंटेंस हो गया। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑल द थ्री एक्सिस शुड मीट एट वन पॉइंट। समझ में आया? ऑल द थ्री एक्सिस शुड मीट एट, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इट? समझ में आया? पूरा सेंटेंस बोल बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ जेड इज इक्वल टू, हां तो जेड नहीं बोलेंगे, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन लामिना, ये सेंटेंस बराबर होगा, बराबर है ना? हां, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, हाँ एक्सिस, हाँ एंड ऑल थ्री एक्सिस शुड मीट एट वन पॉइंट। क्लियर? वेरी गुड। हैव यू अंडरस्टूड द स्टेटमेंट? ठीक है, तो ये हमारा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। स्टेटमेंट अंडरस्टूड? वन मार्क का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में ये प्रूफ करना रहेगा हमको डेरिवेशन। सो और एक लास्ट टाइम मुझे कौन बताएगा? हाँ टेल मी स्टेटमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन लामिना इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड ऑल द थ्री एक्सिस मीट एट द सेम। वेरी गुड, परफेक्ट। स्टेटमेंट लिखो अभी। तो थ्री मार्क्स का ये डेरिवेशन है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन टुगेदर थ्री मार्क्स। तो पहला स्टेटमेंट सब जन लिखो, स्टेटमेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर हो गया? परपेंडिकुलर आई एक्सिस भी लिख सकते हैं, एक्सिस मतलब बहुत सारा एक्सिस है, एक्सिस थ्योरम कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हम क्या लिखेंगे अभी? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट मुझे फटाफट ये बता देगा तो मेरा काम हो जाएगा। नाम बेटा? हाँ हाँ स्पर्श, फटाफट बोलो बेटा। स्टैंड अप, स्टैंड अप जल्दी। तुम बोलोगे बाकी लिखेंगे, डिक्टेट करो। हाँ व्हाट इज द स्टेटमेंट? फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था स्पर्श? व्हाट वाज द फॉर्मूला? हाँ हाँ प्लस
आई वाई, इतना टाइम तूने लिया ना, इतने टाइम में तो पूरा डेरिवेशन सब करके हो जाएगा मेरा। चल ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट तो तूने बताया नहीं अभी तक, ये तो फॉर्मूला बताया, स्टेटमेंट नेक्स्ट, स्टेटमेंट बोलो। आगे पॉइंट ठीक है, ध्यान दे जरा, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन लैमिना, परपेंडिकुलर टू प्लेन लैमिना, प्लेन भी लिखिए तो भी चलेगा, लैमिना वही प्लेन को ही बोलेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर टू प्लेन लैमिना इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट टू म्यूचुअली, हाँ लिखो बराबर से, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड ऑल द थ्री एक्सिस मीट एट वन पॉइंट, एंड ऑल द थ्री एक्सिस मीट एट वन पॉइंट, डन, एवरीबडी हैज रिटन दैट। हाँ अभी फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये हमको प्रूफ करना है। चलो अभी प्रूफ करने के लिए शुरू कर देते हैं फटाफट। डायग्राम पहले बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कौन सा डायग्राम बनाएंगे? रिजिड बॉडी, कोई भी शेप का रिजिड बॉडी बना देंगे। हाँ एवरीवन नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर, अटेंडेंस बाद में लिखना, पहले इधर ध्यान दो। सो वी आर गोइंग टू कंसिडर अ रिजिड बॉडी, ठीक है, ऑफ एनी शेप वी हैव टेकन। और क्या क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? हाँ एक्सिस तो लेना पड़ेगा, ये हो गया परपेंडिकुलर टू प्लेन लैमिना जिसको मैंने जेड नाम दे दिया है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, बराबर है, ठीक है। अच्छा मुझे अभी प्रूफ करना है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, अभी मुझे आई चाहिए ना, आई क्या मीनिंग क्या है? डिस्टेंस, वेलोसिटी की तरह। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दिमाग में भर लो, बराबर है। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मुझे दो चीज़ चाहिए, एक तो मास चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर हो गया? ठीक है, तो अभी ये तो पूरा बॉडी का मास कैपिटल एम है, लेकिन बड़ा बॉडी से हम लोग शुरू नहीं कर सकते, कभी भी छोटा पार्टिकल से शुरू करने का रहता है, बराबर है डेरिवेशन पार्ट में। तो हम लोग एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे, वन पार्टिकल। अभी मैं वो वन पार्टिकल कहाँ पर लूँ? एक्स वाई प्लेन में लेना पड़ेगा, कहाँ पे लेना पड़ेगा? और ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस, समझ में आया? तो यहाँ पे कहीं पे भी मैंने एक पार्टिकल ले लिया, समझ में आ रहा है? इधर पूरा ध्यान देगा, कोई और काम नहीं करेगा। तो ये पार्टिकल हो गया P, ठीक है, मैंने छोटा सा पार्टिकल लिया है तो उसका मास है डेल्टा M, क्या मास है? डेल्टा M, जिसको dm भी लिख सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल मास, क्लियर हुआ? अभी पार्टिकल ले लिया है, अभी डिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ तो डिस्टेंस चाहिए, तो x एक्सिस से डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे पहले, इसको मैं O नाम दे देती हूँ, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अभी इसको डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो इसका पैरेलल रे डिस्टेंस रहेगा, मालूम है ना, ये परपेंडिकुलर होगा, डाउट है? मुझे मालूम है डाउट रहेगा। आगे ये रहा, ये एक्स एक्सिस है, ये सेंटर यहाँ से ना, बराबर है। हाँ तो अभी यहाँ पे मैं पार्टिकल लूँगी तो ये वाला पार्ट क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे देखोगे ना तो ये परपेंडिकुलर दिखेगा, मतलब ये पार्ट से कोई भी एक पार्टिकल अगर लिया ना तो यहाँ से कोई भी डिस्टेंस मैं ड्रॉ करूँगी दैट विल बी परपेंडिकुलर यहाँ से। अभी ये तुम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, अभी ये वाला पार्ट, ये वाला जब मैं ड्रॉ करूँगी ना तो ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा,
आई बात समझ में? और सेंटर से ये वाला लाइन परपेंडिकुलर होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये एक्सिस है ना, तो ये लाइन पार्टिकल के बीच में ये डिस्टेंस होगा। अभी ये एक्सिस, ये वाला पार्ट ऐसे एक्सिस है, तो ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और इसके लिए ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है? वो अज्यूम करना पड़ेगा उस तरह से। तो ये पार्ट, अभी इसको नाम दे देते हैं एम, और ये हो गया एन, ठीक है? अभी तुम लोग मुझे बताओगे एक्स एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? PM, between particle and axis. Are you getting it? ये y axis है, perpendicular distance is PN. For z axis, perpendicular distance is OP. Have you all understood? इतना part complete हो गया, very good. अभी derivation will start, ठीक है? तो पहले तो हम लोग definition लिखेंगे, आई जेड का डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन लिखेंगे? आई जेड मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। आर यू गेटिंग इट ऑर नॉट? हाँ, तो मैंने इंटीग्रेशन फॉर्मेट में बताया था, अभी यहाँ पे ध्यान देंगे स्पर्श, तुमसे पूरा डेरिवेशन बोर्ड पे करवाऊंगी मैं, रेडी है? ध्यान दे बेटा। मालूम है मैंने बताया था, एक तो बताया था M1, M2, M3, वो तो नहीं ले सकते क्योंकि हमने एक ही पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल लिया है, तो कौन सा वाला लेंगे? इंटीग्रेशन वाला। कौन सा लेंगे? क्या डेफिनेशन था? इंटीग्रेशन मतलब सम ऑफ, ध्यान से सुनो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास, मास क्या है? डेल्टा एम इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर क्या है इसमें? ओ पी स्क्वायर जेड एक्सिस के लिए। आ रही बात समझ में? जेड एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ओ पी, इसलिए मैंने बोला ये डेफिनेशन हो गया हमारा। आर यू गेटिंग इट? वेरी गुड, ये समझ में आया सबको? अच्छा, आई एक्स का डेफिनेशन बताओ अभी, ये डेफिनेशन दे रही हूँ मैं, सम ऑफ डेल्टा एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? पी एम स्क्वायर या एम पी स्क्वायर, जो भी बोलो। क्लियर हो गया? देन आई वाई का डेफिनेशन लिखते हैं, सम ऑफ पी एन स्क्वायर। वेरी गुड, ये तो मेरा डेफिनेशन हो गया, इक्वेशन नंबर वन डाल दिया, ओनली डेफिनेशन आई गिवन, बराबर है? अभी मुझे प्रूफ करना है ना, हमारा वो फॉर्मूला क्या था स्टेटमेंट वाला, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये मुझे प्रूफ करना बाकी है, ठीक है? अभी तुम लोग मुझे बताओ कि ये पर्टिकुलर डायग्राम में मैं क्या लूँ? ध्यान से सोचना, इधर स्क्वायर स्क्वायर है तो राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, सो वी विल टेक वन ट्राइंगल, कोई भी एक ले लो, दिस इज दी राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम वी गोइंग टू अप्लाई। पाइथागोरस थ्योरम किसको किसको आता है भाई? सबको आता है? हम बता दें बेटा फॉर्मूला क्या है? हाँ, स्टैंड अप स्टैंड अप। हाँ हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम नहीं, बता ना, ये वाला ट्रायंगल है, कोई और नहीं बोलेगा प्लीज। हाँ करेक्ट, ए बाकी लोग ध्यान से सुनो, हाँ ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, वेरी गुड, परफेक्ट, बराबर है? अच्छा अभी ध्यान से देखो अपने डेफिनेशन में, अरे तू दूसरा डिस्कस मत कर, मैं इधर पढ़ाती है तू उधर जाता है, मैं उधर से पहुँचती है तब तक तू पहला वाला कुछ नहीं आता है, ध्यान देना इधर, इधर देखो पहले, ओ पी है, हाँ आ रहा है, ओ एम है क्या? क्या करेंगे? ओ एम इज इक्वल टू रेक्टेंगल बनता है, बराबर है? ओ एम इज इक्वल टू पैरेललोग्राम, तो आई कैन राइट दैट ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। अभी क्लियर हो गया? अपना काम खत्म, अभी क्या मिसिंग है भाई, वो सब डाल देते उसमें, डेल्टा एम चाहिए, पार्टिकल चाहिए, पार्टिकल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर है ना, कभी भी किधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझ में आया? तो स्केलर को किधर भी मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? ओ पी स्क्वायर डेल्टा एम इज इक्वल टू एन पी स्क्वायर डेल्टा एम प्लस पी एम स्क्वायर डेल्टा एम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटीग्रेट दोनों साइड में करो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। ए क्या है बाई डेफिनेशन? किधर है?
बराबर, हाँ बाय डेफिनेशन क्या हो गया वो आई जेड बराबर है इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन से क्या आता है आई वाई प्लस आई एक्स, डन। कुछ भी नहीं था ना इसमें, कितना इजी था, लेकिन एग्जाम में आएगा ना तुम लोग को यही शुरू किधर से करूँ और ये क्या है, तो सबका मीनिंग मालूम होगा और यहाँ पे मैंने लॉजिकली पूछा क्या करना चाहिए, बराबर है ना, प्रैक्टिस भी वैसे ही करना चाहिए। हमको क्यों लेना है पाइथागोरस स्क्वायर चाहिए इसके लिए लेना है, ऐसे करके यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी डायग्राम डाउट, पार्टिकल लिया ना मैंने, बराबर है, अगर मैं नहीं लूँगी तो आई में कन्वर्ट नहीं होगा, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मास तो लेना पड़ेगा, अरे मेरे पास है ना यहाँ पे मास, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आया, मास से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई करते हो ना, वैसे मास से कर दिया मैंने, मीनिंग एक ही है, दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है ना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई वन प्लेस, नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है, दोनों साइड में करना पड़ेगा, बराबर है ना, और इंटीग्रेटिंग भी दोनों साइड में कर लिया तो हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट हो गया। डायग्राम बराबर से लिखना, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर ड्रॉ करोगे ना तो इक्वल दिखेगा, इक्वल डिस्टेंस में पैरेलल ड्रॉ करने का इसका, तो बराबर आएगा वो। क्योंकि जब ये पार्ट ऊपर से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, समझ में आया, ऐसे साइड से तुम लोग को लग रहा है कि ये तो स्लैंडिंग जा रहा है, वैसा नहीं होता है, अज्यूम करना, अगर ट्राई करना जरा, तुम लोग यहाँ पे भी अज्यूम कर सकते हो, ये देखो इधर है ना एक्सिस है ना, ये जेड एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये पार्टिकल है, बराबर है ना, मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँगी तो परपेंडिकुलर, समझ में आया, क्लियर हुआ, सो स्टेटमेंट लिखना है वन मार्क के लिए, डायग्राम और डेरिवेशन मिलाकर के टू मार्क्स, तो टोटल हो गया थ्री मार्क्स का, ठीक है, और ये इजी है फॉर्मूला, डेरिवेशन भी बहुत सिंपल सा है, कंप्लीटेड। अच्छा मुझे बताओ अगर यहाँ पे पार्टिकल नहीं लेते तुम लोग और सपोज यहाँ पे लेते तो क्या फॉर्मूला आता था पता है, हाँ कौन बताएगा, सपोज मैंने पार्टिकल यहाँ पे लिया और डेरिवेशन कर लिया, एग्जाम में होता है ऐसा पता है ना, तो आई वाई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स आएगा, रॉन्ग नहीं है उसमें, वाई को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये दोनों को तुम लोग क्या बोलोगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आई वाई समझ में, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं अरे आई वाई इज इक्वल टू आई पूरा डेरिवेशन रॉन्ग काट के बराबर, समझ में आया, तभी देखने का हमने प्लेन किधर लिया है क्या लिया है, ओके यस होमवर्क, होमवर्क में क्या लिखोगे क्या करने वाले हो, हाँ तो डेरिवेटिव डेरिवेशन तीन किया हमने बराबर है ना, तो शॉर्ट में वह पूरा अच्छे से नीट हैंड राइटिंग नहीं चाहिए मुझे, मुझे डेरिवेशन देखिए अपने मन से किया हुआ चाहिए, काइनेटिक एनर्जी टॉर्क एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, एक बार बिना देखे लिखना है, तुम्हारा ड्यूटी बनता है कि एक बार पहले अंडरस्टैंड करो फिर से बुक बंद करो और अपने मन से डेरिवेशन करो, समझ में आया, अब वो मुझे चाहिए वर्क में, ठीक है, हाँ और ऑफकोर्स फॉर्मूला भी याद रखना है।